वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आज प्रस्तुत है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका डेफिनेशन क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, इसमें उन एक्शंस को शामिल करते हैं, उन कार्यों को शामिल करते हैं जो बोलते वक्त बोलने के ही समय में घटित हो रहे होते हैं, घटित हो रहे होते हैं। टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस एक फ्रेजल वर्ब है और इसका हिंदी होता है घटित होना। टेक प्लेस से टेकिंग प्लेस बना है। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन हो गया, वैसे एक्शंस जो बोलने के समय में घटित हो रहे होते हैं कहलाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। ये ध्यान रखिए, बोलने के समय घटित हो रहे हैं। देखिए जरा, रीमा इज चैटिंग विद हर फ्रेंड। रीमा अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रही है। तो जब बोला जा रहा है, बताया जा रहा है रीमा के बारे में कि रीमा अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रही है, तो बताए जाने के वक्त भी वो बातचीत कर रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वह चैटिंग कर रही है, इसलिए यह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राम इज गोइंग टू पार्क। आई एम गोइंग टू पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ। तो जब मैं बोल रहा हूँ उस वक्त भी जा रहा हूँ, स्पीकिंग के समय में घटित हो रहा है। मोहन इज हैविंग मील, मोहन खाना खा रहा है। तो जब बताया जा रहा है मोहन के बारे में, उस वक्त वो खा रहा है। राम इज प्लेइंग बास्केटबॉल, राम बास्केटबॉल खेल रहा है। जब राम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त राम के बारे में बोल रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वह बास्केटबॉल ही खेल रहा है। तो चूंकि यह जब बोलते हैं उस वक्त ही होते रहता है, रियल टाइम में चलता है, इसलिए इसे बोलते हैं रियल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रियल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, यह ध्यान रखना है हमें। दूसरा डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को SPT कह देते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को PCT कह लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और दूसरा मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया मोहन इज हैविंग मील। इसमें देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, इससे जो एक्शन हम दिखा रहे हैं, यह एक्शन परमानेंट नेचर का है। सन राइज करता है ईस्ट में, आज भी करता है, कल भी करेगा, कल भी किया था, तो यह परमानेंट है, हमेशा होते रहता है। तो इसलिए लिखा गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से परमानेंट नेचर के एक्शंस को दिखलाते हैं, जबकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन होता है, मोहन इज हैविंग मील, मोहन बोलने के समय खाना खा रहा है, कुछ देर में खाना खत्म हो जाएगा उसका, तो खाना बंद हो जाएगा, तो टेम्पररी होता है ये सब काम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन जो होता है टेम्पररी होता है, इसलिए इससे जो एक्शन दिखलाते हैं टेम्पररी नेचर के एक्शन को दिखलाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस यही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से परमानेंट नेचर के एक्शंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से टेम्पररी नेचर के एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, बतलाते हैं। नाउ कमिंग टू दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन हिंदी। हिंदी में आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि पार्टिकुलर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर उसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं। ध्यान रखिएगा, इसी सीक्वेंस में एक एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, यह सब रहेगा तो उसको कहेंगे कि वो हिंदी का सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, होना चाहिए। अब आइडेंटिफिकेशन तो कर लेंगे आसानी से। आइडेंटिफिकेशन की बात बचता है स्ट्रक्चर का, कि बनाएंगे कैसे हम इसे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो पहले तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, जो कि सारे टेंसेस में होता है, शुरू में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सारे टेंसेस में होता है, अंत में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात तो करते नहीं अब, क्योंकि शुरू में सब्जेक्ट होना है, बाद में ऑब्जेक्ट होना है। बात है इसके हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसका तीन होता है, इज, एम और आर। इज जो होता है
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, और आर होता है इसका उल्टा, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, और एम केवल आई के साथ प्रयोग होता है, इसका प्रयोग आप जानते हैं। अब बचा वी फोर, तो वर्ब के साथ जब आई एन जी को हम प्लस कर देते हैं तो इसे कहते हैं वी फोर। तो यहाँ पे वर्ब प्लस आई एन जी भी लिखा रहा था तो भी वही था, और वी फोर भी वही है। तो जरा चेंज करते हैं, राम पत्र लिख रहा है तो राम तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, राम जब सिंगुलर है तो इज एम आर में से इज आ जाएगा, और फिर लिख रहा है, लिखना का आप जानते हैं राइट होता है, राइट में आई एन जी लगाते हैं तो ऐसे बनता है, और क्या पत्र, तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा तो अ लेटर करना पड़ेगा, राम एक पत्र लिख रहा है। नाउ सीता पत्र लिख रही है, तो फिर ये भी वैसे ही है, सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता सिंगुलर है, और बाकी सब राइटिंग अ लेटर ऐसे ही हो जाएगा। वे लोग पत्र लिख रहे हैं, तो अब देखिए वे लोग का दे होता है, दे के अनुसार तो यहाँ पे आर आना चाहिए, और फिर राइटिंग तो रहेगा ही वर्ब में आई एन जी, और फिर वे लोग हैं तो एक पत्र तो लिखेंगे नहीं, लेटर्स कर देंगे। तुम पत्र लिख रहे हो, तो यू, यू के साथ आप जानते हैं आर हो जाएगा, और फिर राइटिंग तो रहेगा ही, और फिर लेटर भी लिखना पड़ेगा हमें, और लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो आई के साथ एम आता है, बता दिया आपको आई एम, और फिर राइटिंग और लेटर तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर के आधार पर हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज, यूज का चार नियम हम पढ़ेंगे। पहला नियम है जो नॉर्मल, इसे कहेंगे हम नॉर्मल यूज, चाहे सिंपल यूज, इसे कहेंगे हम सिंपल यूज। सिंपल यूज क्यों कहेंगे, तो जितना हम ट्रांसलेशन इधर किए हिंदी से इंग्लिश में, यह सब के सब सिंपल यूज में आ जाएगा। जिस तरह से मैंने पढ़ा है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज में, पहला नंबर सिंपल यूज, मतलब जितना ट्रांसलेशन हम करते हैं इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में, वो सब सिंपल यूज कहलाता है। तो ऐसे ही ये सब सिंपल यूज है, जैसे वी आर प्लेइंग वॉलीबॉल, हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, सिंपल यूज हो गया। हाँ, मतलब कहीं कोई विशेष यहाँ पे नियम के अनुसार नहीं आया है, सिंपली आया है कि बोलने के वक्त हो रहा है ना, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जो डेफिनेशन में भी है, तो वही यहाँ पे हम मान लेंगे। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। आई एम रीडिंग अ मैगजीन, मैं पत्रिका पढ़ रहा हूँ। रीमा इज कुकिंग फूड, रीमा खाना बना रही है। तो यह सब है सिंपल यूज, जितना हम चेंज करते हैं। लेकिन कहें कि जब हमें एक्शंस जो हो रहा होता है प्रेजेंट टाइम में, उसे व्यक्त करने के लिए करना पड़ता है, तो एक तरह से कह सकते हैं द सिंपल यूज बहुत अच्छा फंडा है, कि जितना ट्रांसलेशन करते हैं सबका सब सिंपल यूज। नाउ दूसरा नंबर से याद रखने के लिए है, अगर सेंटेंस में नाउ रहेगा, सेंटेंस में एट द मोमेंट रहेगा, सेंटेंस में एट द वेरी मोमेंट रहेगा, और सेंटेंस में चौथा जो है एट प्रेजेंट रहे, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। जैसे कि आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में कि अगर सेंटेंस में ऑलवेज रहेगा, अगर सेंटेंस में नेवर रहेगा, अगर सेंटेंस में ऑफन रहेगा, बहुत सारे वर्ड्स का एक स्लाइड ही था आपने देखा था, तो सेंटेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। वैसे ही ये चार रहेंगे, नाउ एट द मोमेंट मतलब इस समय, एट द वेरी मोमेंट मतलब इस क्षण, और एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। तो ये सब रहेंगे तो हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे बिना सोचे समझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिस तरह से ऑलवेज नेवर ऑफन हमने देखा था वैसा ही। चार वर्ड हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछते रहता है इनका लेकर। देखिए चारों का चार सेंटेंस लिखा है, नाउ का पहले लिखा है, फिर एट द मोमेंट का लिखा है, फिर एट द वेरी मोमेंट का, और फिर एट प्रेजेंट का। चारों के हिंदी देखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। देखिए अभी है तो डेफिनेटली इसे करना पड़ेगा हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। दे आर डांसिंग एट द मोमेंट, इस समय वे लोग डांस कर रहे हैं।
राम इज गोइंग एट द वेरी मोमेंट, इस क्षण राम जा रहा है। फिर ही इज रनिंग एट प्रेजेंट, वर्तमान में वह दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जितने यहाँ पे देखा चारों वर्ड्स वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा आपने, नाउ, एट द मोमेंट, एट द वेरी मोमेंट एंड एट प्रेजेंट, इनका यूज किया और सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही। मूविंग फॉरवर्ड रूल नंबर 4, कोई प्रोग्राम कोई योजना अगर फिक्स कर दी गई है जिसे फ्यूचर में होना है, भविष्य में होना है, तो उसको भी हम व्यक्त करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। अगर आपको यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस याद होगा तो आपने जरूर देखा होगा नीचे जो नोट लिखा है यह कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोग्राम्स फिक्स्ड इन फ्यूचर। अगर कोई योजना फ्यूचर के लिए तय कर दी गई है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। दोनों को मिलाकर अब बोल रहा हूं कि कोई भी योजना जो भविष्य के लिए निर्धारित हो गई है, जो होना निश्चित है होगा, तो उसको हम या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बतला सकते हैं। जैसे आई एम लिविंग फॉर छपरा नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह छपरा जा रहा हूँ, मैं अगले सप्ताह छपरा जा रहा हूँ, तो ये निर्धारित होगा कि अगले सप्ताह जाना ही जाना है। तो आप इसे कह सकते थे, ऐसे भी कह सकते हैं, आई लीव फॉर छपरा नेक्स्ट वीक, ऐसे कह सकते हैं आप। तो जो भी प्रोग्राम जो फिक्स है फ्यूचर के लिए, उसे आप अपनी मर्जी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अच्छा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इसे फ्यूचर में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल लीव फॉर छपरा नेक्स्ट वीक, आई शैल लीव फॉर छपरा नेक्स्ट वीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो फ्यूचर में फिक्स है उसे फ्यूचर टेंस में लिखिए, चाहे सिंपल प्रेजेंट में लिखिए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखिए, आपकी मर्जी है। किंतु प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना आपकी जानकारी के स्तर को बढ़ाता है, स्टैंडर्ड कर देता है आपके इंग्लिश की जानकारी को। तो आप, यह हो गया रूल नंबर 3। अभी तक हमने 3 कर लिए रूल। चौथा रूल है, हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वह एक्शन होता है जो कि जब हम बोल रहे हैं उस वक्त ही वह टेकिंग प्लेस करता है, घटित होते रहता है, टेक प्लेस होता है, जब बोल रहे हैं तब। देखिए जरा, मैं लिख रहा हूं, मैं एक किताब लिख रहा हूं। आप बताइए, लिख रहा हूं, रहा हूं अंत में है, तो डेफिनेटली यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन मैं एक किताब लिख रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं, तो अभी तो मैं आप सबके लेक्चर बता रहा हूं, किताब तो लिख रहा हूं नहीं। तो किताब लिखने का काम कैसा होता है, लंबा होता है और थोड़ा थोड़ा करके काम होता है इस पे। तो लंबा चलने वाला काम भी हमें दिखाना पड़ता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और यह काम ऐसा हो सकता है कि बोलते वक्त नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो काम बोलते वक्त होता है उसे ही कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे 4 नंबर केस से, और यह कि कुछ काम जो लंबे चलते हैं उसे एक रूटीन के अनुसार करना पड़ता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बोलते वक्त नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखना पड़ता है। पहले इसमें इंग्लिश पढ़ता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन, वैसे कार्य को बतलाने के लिए प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, विच इज गोइंग ऑन, जो जारी है। बुक लिखने का काम जारी है, एक्शन जो जारी है, बट may not be happening at the time of speaking, बोलने के समय में may not be happening, नहीं हो रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि मैं किताब लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं अभी तो लिख नहीं रहा हूँ, आपके सामने हूँ, तो डेफिनेटली, लेकिन यह भी होता है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान रखेंगे कि वैसे काम के लिए भी इसका यूज करते हैं जो कि जारी है लेकिन बोलते वक्त हो सकता है कि नहीं हो रही होगी, राइट। चलिए, राम इज राइटिंग अ बुक दिस डेज, इन राम एक बुक लिख रहा है। नाउ अ डेज ही इज टेकिंग मॉर्निंग वॉक, आजकल, नाउ अ डेज मतलब आजकल, ही इज टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक, वह मॉर्निंग वॉक कर रहा है। तो आप देखिए मॉर्निंग वॉक तो मॉर्निंग में करते हैं, बोल तो अभी रहे हैं, तो जब बोल रहे हैं उस वक्त नहीं चल रहा है लेकिन ये चलता है, हाँ जारी है उसका। जाया इज लर्निंग म्यूजिक दिस डेज, इन दिनों जाया म्यूजिक लर्न कर रही है। तो म्यूजिक लर्न करने का टाइम होता है 5-6 इवनिंग में, म्यूजिक लर्न करने का टाइम अगर जाया के लिए है मान लिया तो 5-6 ही लर्न करेगी ना, लेकिन वो रोज लर्न कर रही है, एक प्रोसेस जारी है लर्न करने का, तो इसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिखलाएंगे। तो इस तरह से हमने 4 रूल देख लिए यूज करने का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने देख लिया डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन हिंदी में कैसे करते हैं उसे देखा, स्ट्रक्चर देखा, और स्ट्रक्चर से कुछ बनाया।